मेरे गुस्से की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, क्योंकि घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। सिर्फ पैसे के लिए अंधे इंसान के साथ मेरी शादी करवा दी थी। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता था और कहीं पे अकेले जा भी नहीं सकता था, ऐसे को मेरा हम सफर बना दिया गया था और उन्हें इस चीज का फायदा हो गया था क्योंकि उन्हें जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे मिल गए थे। लेकिन मैं कहाँ जाती, मुझे तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे के पास खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे के अंदर मेरा पति आता दिखाई दिया। उसके साथ उसका मेल नर्स भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ मौजूद था और हर समय उसके साथ ही रहता था। वह उसको कमरे में बैठा कर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे आवाज़ देकर बुला लीजिएगा, मैं पास वाले कमरे में ही हूँ। मैंने भी आंसू पीते हुए अपने सर को हिला दिया। मेरा अंधा पति मेरे शरीर के अंग को टटोल कर देखने लगा। अब गुस्से की एक लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई थी और मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया था तो उसके चेहरे पर हैरत के अंदाज भरे थे। शायद वह मेरे इस रवैये के लिए तैयार नहीं था। वह तो ये समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो उसके दौलत के लालच में आकर शादी कर रही हूँ, उसे कैसे धुतकार सकती थी। लेकिन मैं एक पल भी उसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह मुझसे छोटी छोटी बातें करता रहा और मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछता रहा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही थी और मेरा दिमाग बस यही ताने बाने बुन रहा था कि मैं इस शख्स के साथ कैसे रह सकती हूँ और इससे कैसे जान छुड़ाऊँ। और बार बार मेरी निगाहों के सामने मेरे संजय का चेहरा आ रहा था। इसी बीच मुझे एक आइडिया आया और मैंने कहा कि मैं अपने कपड़े बदल के आती हूँ क्योंकि भारी कपड़ों की वजह से मैं थक गई हूँ और आप इतनी देर में आराम कर लो, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और मैं अपने ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल कर बाहर निकल आई। और अब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं उस नौकरानी को कहाँ ढूंढूं जो उसके घर में हमेशा से रहती थी और जिसने मुझे आते के साथ ही अपनी मजबूरी की लंबी लंबी दास्तानें सुनाई थी। और अब मैं सोच रही थी कि उसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूं। और मैं हॉल से बाहर निकल आई। सामने ही नौकरानी का रूम था और सामने ही एक चौकी रखी हुई थी। मुझे देखकर हैरान रह गई नौकरानी और बोली कि मैडम, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको कोई काम था? तो मैंने कहा कि मुझे सुनीता से बात करनी है, कहाँ है बुला कर लाओ। तभी चौकीदार सुनीता को बुला कर लाता है। वे शायद सो रही थी। वह हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी और कहने लगी, कुछ चाहिए था मैडम? मैंने उसका हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आई और अपने हाथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसको दे दिया जो कि मेरे पति ने मुझे सगाई के जेवरात के साथ मुझे विदा भिजवाई थी। मुझे वह अंगूठी बहुत पसंद आई थी, लेकिन अब मैं जो करने जा रही थी इसके लिए मुझे अपने सबसे पसंदीदा चीज़ को कुर्बानी देना भी कोई मुश्किल नहीं था। मैंने सुनीता से कहा कि तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मुझे मेरा वह काम कर दो तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगी। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी बेटी बीमार है और उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वे हैरान नज़रों से मुझे देखने लगी तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी हर आवश्यकता को भी पूरा करूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और जब मैंने उसे वह बात बताई तो वह हक्का बक्का रह गई थी। फिर अपने दोनों कानों पर हाथ लगाया और कहने लगी कि अगर मेरे पति को ये बात पता चल गई तो ना जाने क्या होगा। मैडम जी, आप ऐसा मत करो। मगर मैंने उसे बाजू से पकड़ के झकझोर दिया और उसे कहने लगी, तो फिर मैं तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वह फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा तो वह मेरी बात को मान गई। तभी वह सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई थी और उसे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लेटा कर और खुद बाहर चली आई। और तकरीबन 2 घंटे के बाद
वे कमरे से बेहाल अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे वजूद में शरारत कर गई थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वह झुकी नज़रों के साथ वहाँ से चली गई थी। वह गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से उसे ऐसा ही काम करना पड़ रहा था। और जब मैं कमरे में आई तो मेरा पति सो रहा था। मैं भी एक जगह लेट गई और विचार करने लगी कि सही टाइम पर मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वरना इस आदमी को तो बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वह मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात करता और मेरा बहुत ख्याल भी रखता था और मुझसे बहुत प्यार भी करता था, मगर उससे देखकर एक नफरत का एहसास मेरे पूरे बदन में छा जाता था और मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगता था। मेरा दोबारा अपने माँ बाप से भी बात करने का दिल ही नहीं करता था, क्योंकि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था उसके बाद मैं वापस अपने घर जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन माँ खुद आ गई और मुझे गले लगा लिया और शिकायत करने लगी कि तुम इतने दिनों से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई हो। माँ की बात सुनकर मेरा दिल भी थोड़ा पसीज गया था। तभी मेरा पति भी कहने लगा कि तुम उनके साथ कुछ दिनों के लिए चली जाओ, वैसे भी अनीता। और फिर मैं माँ के साथ रहने के लिए आ गई थी। और फिर एक दिन मेरी मुलाकात संजय से हुई। उसे देखकर पुरानी मोहब्बत पैदा हो गई थी और उसने भी एक शिकवा भरी नज़र मुझ पर डाली और दोबारा से अपने काम में बिजी हो गया था। वह उस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफ़ी देर तक मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की थी, मगर जब खुद पे काबू ना पा सकी तो आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर उसे सामने से बात कर बैठी। और उसकी शिकवा भरी बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह बहुत दुखी है, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं दुखी थी और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। उसके चेहरे के तरफ देखते हुए मेरे दिमाग में घिनौना खेल आ गया और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को हकीकत तक कैसे पहुंचाया जाए। और घर आने के बाद मैं अपने इरादे को अमल में लाने का प्लान शुरू कर दिया था और वह नौकरानी अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने को मजबूर थी और उसकी वजह से मुझे एक और उसकी तरफ से मेरा पूरा इंतजाम था कि वह यह बात किसी को भी नहीं बता सकती। और दूसरी तरफ एक पीयूष था जो मेरा पति का चमचा था और उसे हर बात बताता था। उसे रास्ते से हटाने के लिए फिर मैंने ये प्लान बनाया कि आधी रात को फ़ोन करके मैंने उसे कमरे में ये करके बुलाया कि मेरे पति की तबीयत खराब है। वह फौरन कमरे में आ गया तो मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी। मेरा पति भी हड़बड़ा के बैठ गया और मुझसे रोने की वजह पूछा तो मैं उसे कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। जब ये बात मेरे पति को सुनता है तो वह अपनी सफाई में मेरे पति के सामने देने लगता है, मगर मेरे पति ने एक भी नहीं सुना और वह सिर्फ वही सुना जो मैंने उसे सुनाया और वही देखा जो मैंने उस दिखा रही थी। फिर वह उसने पीयूष को नौकरी से निकाल दिया। उसने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की लेकिन इसमें उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। और सोचे समझे प्लान के तहत मैंने अपने पति को कहा कि मेरे दूर का कर्जन है और वैसे भी उसके नौकरी का तलाश है और वह आपका भी ख्याल रखेगा। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि अगर तुम ऐसा कर रही हो तो सही ही होगा और वैसे भी तुमसे ज़्यादा वफादार मेरे लिए कौन हो सकता है। उनकी ये बात सुनकर एक पल के लिए मैं शर्मिंदगी के गहराइयों में डूब गई थी कि मैं उनके साथ क्या कर रही थी और उनको मेरे बारे में कैसी सोच थी। लेकिन मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था और फिर मैंने संजय को अपने घर में रख लिया था और वह भी यह काम करने को तैयार हो गया था। वैसे भी इतना बड़ा घर था कि वह आराम से रह लेता और उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर उसे मेरे करीब रहने का मौका भी मिल रहा था। हम लोग बहुत खुश थे। मैं अपनी नौकरानी को अपने कमरे में बुला लेती थी और खुद को संजय के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक ही हो रहा था। एक दिन मेरा पति कहने लगा कि मैं काम के सिलसिले में देश से बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं बौखला गई कि अगर वह बाहर जाएगा तो संजय भी उसके साथ ही जाएगा।
तो मैं संजय के बगैर कैसे रह सकती हूँ। तभी बातें बातों में मैंने उससे पूछ लिया कि आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए तो कोई वहाँ होना चाहिए। तब वह कहने लगा कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है जो मेरा ख्याल रखेगा। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत सुकून आया और मुझे इस बात पे भला क्या इतराज़ हो सकता था। फिर वह देश से बाहर चले गए और जब एक महीना मैंने भरपूर खुशी मिजाजी से गुजारा था। पति के पैसे का इस्तेमाल करके मैं संजय के साथ ऐश कर रही थी। मैं जहाँ जाने का सपना भी नहीं देख सकती थी, उन जगहों पर हम दोनों घूमने के लिए जाते थे और खूब इंजॉय किया, और ज़िंदगी में आने वाला ये समय हमने खूब मज़े के साथ गुजारा और हम दोनों बहुत खुश थे और काफ़ी समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। मैं एक दिन संजय की रातें रंगीन कर रही थी और हर वक्त हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रहते थे, तब जाकर मेरे रूह को ठंडक पहुँची थी। संजय और मैं हम दोनों एक दूसरे के अंगों का भरपूर लुत्फ़ उठा रहे थे। मुझे जो काम अपने पति के साथ करना चाहिए था वह काम मैं अपने आशिक से करवा रही थी और संजय भी भरपूर इसका मज़ा ले रहा था। हमारा हर एक एक पल बहुत ही रंगीनियों में गुजर रहा था। हमें देखने और रोकने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से मैं और संजय जो चाहे जब चाहे जैसे चाहें कर रहे थे। फिर एक महीने बाद जब मेरा पति घर आ गया तो वह पहले से बदले हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझसे नॉर्मल अंदाज में ही बात की थी, लेकिन फिर भी उनका लहजा बदला हुआ था और देखने में भी वह पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गए थे और उनके चेहरे पर एक सीरियसनेस थी। और रोज की तरह रात को मैंने नौकरानी को अपने कमरे में बुला लिया और खुद संजय के कमरे में चली गई। मुझे अभी उसके कमरे में गए हुए थोड़े ही समय हुए थे कि जब एकदम से ज़ोर से दरवाज़ा खुला और कमरे की लाइट ऑन हो गई, और जब मैं पीछे मुड़ के देखी तो मैंने जब से आंखें खोली थी तो बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिताया था और सबको तरसते हुए देखा था। घर में माँ बाप के अलावा हम लोग 5 भाई बहन थे और मैं भाइयों बहनों में सबसे बड़ी थी और सारे घर के कामकाज की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। बाकी बहनों और भाइयों को छोटे होने की वजह से कुछ समय के लिए उन्हें राहत मिल गया था। माँ को भी मेरी हरकतों पे बहुत ज़्यादा ऐतराज रहता था और उनको मेरे सहेलियों के घर आने जाने पर और भी बहुत सारी बातों पर उनको ऐतराज था, जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि माँ हम भाई और बहनों से मोहब्बत ही नहीं करती, उन्होंने तो सिर्फ पैदा करके हमें छोड़ दिया था। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी कि माँ के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी, क्योंकि वह चप्पल उतार कर मारने में भी देर नहीं करती थी और कमाने वाले सिर्फ पापा ही थे और दोनों भाई बहुत छोटे था। ऐसे भी घर में कभी सिर्फ दाल और सब्जी भी बनती थी और हमें अच्छा खाना शायद महीनों बाद नसीब होता था। संजय मेरी ज़िंदगी में बाहर की तरह आया था। वह कुछ टाइम पहले ही हमारे मोहल्ले में आकर बसे थे और उन्होंने वह घर किराए पर लेकर रह रहे थे और वह हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे थे। एक ही रूम सही, लेकिन हमारा घर अपना घर था, लेकिन वो लोग तो बेचारे भाड़े पे रह रहे थे और संजय की कोई नौकरी भी नहीं थी और सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, और जब संजय ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो माँ बाप ने उसी वक्त कैंसिल कर दिया कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वह कोई काम करता है, ऐसे में निखट्टू इंसान के साथ शादी करने का क्या फ़ायदा, जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रोकर मायके के दहलीज पे आती रहे। माँ की बात एक हद तक तो सच ही थी, लेकिन फिर भी मैं अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इन्हीं दिनों मैं अपने मम्मी पापा एक दिनों ना जाने क्या बातें कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों मेरे बारे में कुछ खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा जिद्दी लड़की हूँ। तभी एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि पापा ने
तुम्हारा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी कि ऐसे भला कैसे हो सकता है कि आप लोग बिना मेरी मर्जी जाने बगैर आप लोग मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि मैं किसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। माँ ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी कि वह निकट्टू जो 10 रुपया भी नहीं कमा सकता वह तुम्हें कहाँ से खिला सकता और वह तुम्हारी ज़रूरतों को भला कैसे पूरा करेगा। माँ की यह बात सुनकर मैं चुप हो गई थी और पापा भी अब इस रिश्ते के लिए हामी भर चुके थे। माँ के मुकाबले मैं पापा से बहुत डरती थी और उनके सामने मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा को हार्ट की प्रॉब्लम थी और उन्हें पिछले कई सालों से ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी और जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया तो उनके बॉस ने बहुत से पैसों की मदद की थी जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा हुआ था और शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेर सारे कपड़े आए, तो कुछ देर के लिए मैं भी बहल गई थी और शादी के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन जब मुझे माँ ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरा होने वाला पति अंधा है और उसे नज़र नहीं आता तो ये सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया था। माँ, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस आदमी से मेरी शादी तय की है। मेरी हालत देखकर माँ हबड़ा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ, लड़का बहुत अमीर है, पैसों से खेलेगी तू, और तुम्हारे पापा कह रहे थे कि उसका इलाज मुमकिन है। कुछ वक्त पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नज़रें चली गई हैं और ये भी हो सकता है कि वह ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नज़रें वापस चली आएँ। तुम फिक्र क्यों करती हो। माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी लेकिन मेरे दिल में उस आदमी के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी और इसी नफरत ने मुझे बगावत पे उतार दिया था और मैं नफरत की आग में गुनाह की तरफ चली गई थी, जिसमें अपने पैसे के लाचार होने के बावजूद भी उसने मुझे खरीद लिया था और उसने मुझे मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैंने अपने दिल में बेतहाशा नफरत और गुस्सा लेकर उसके घर में आई थी। उसे देखकर भी मेरे दिल में नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाने की सोच रही थी और आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब ही हो गई थी। बल्कि एक तरह से इस घर में मैं खुश ही थी, एक तरह से मुझे उसकी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी और दूसरी तरफ मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास ही रहता था और मैं पैसों में भी खेल रही थी और हर एक सुख सुविधा मुझे हासिल थी। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे के लिए मदहोश हो गए थे तो अचानक ही कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हबड़ा कर उठ बैठे। मेरा पति दरवाजों के बीचों बीच खड़ा था और वह बिल्कुल सामने देख रहा था और उसको देखकर मेरे बिल्कुल एक पल के लिए सांस रुक गई, लेकिन उसके अंधा होने का सोचकर मेरे सांसों में सांस आई और वह काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहा। उसे देखकर संजय और मैं एक दूसरे से लिपट कर अपनी रंगीनियों को आगे बढ़ा रहे थे। वह दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया था। अपनी पति की ये कमजोरी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही थी। अगले दिन जब मैं नाश्ता करने के लिए टेबल पे आई तो ये देखकर मैं हपका वका रह गई कि सामने टेबल पे मेरा पति बैठा हुआ था और हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथों में एक न्यूज़पेपर था और वह आंखों पे चश्मा लगाकर न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी था और मैं और संजय हैरान परेशान सी नज़रों से एक दूसरे पर डाली। ये सब क्या था। तभी मेरे पति ने मुझ पर एक भरपूर नज़र डाली और कहने लगे कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने गया था और मेरी नज़र वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। इसका मतलब था कि रात को जो कुछ भी हुआ था उसने देख लिया था। उस पर मेरी सच्चाई खुल गई थी। मेरे चेहरे का रंग देखकर वह मुस्कुराया और कहने लगा कि मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने पीयूष पे इल्ज़ाम लगाया था तभी मैंने चौंक गया था और ऑफिस में जाने के बाद पीयूष को बुलाया
तो हिचकिचाते हुए उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो और उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इन सब में ना जाने तुम्हारा क्या मकसद था, और तभी मैं तुम्हारा हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता था, और मुझे ये भी खबर नहीं थी कि वह सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। और जब मैं ऑपरेशन करवा कर वापस आया, तुमने जब नौकरानी को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठिठक गया था, और नौकरानी भी मुझे अंधा समझ रही थी। लेकिन जब मैंने उससे बात की और ये सब पूछा तो पहले तो वह डर गई, लेकिन रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर गुस्से की एक लहर मेरे शरीर में उतर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए उस कमरे में आया। तो तुम आज भी संजय के साथ अपना प्यास बुझा रही थी, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। उसने मेरे हाथ में एक खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा कि इसमें तुम्हारा तलाक का कागज है, मैंने तुम्हें रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। मैंने उस पर एक नज़र डाली, उसने तो मुझे माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं दिया था और अपना फैसला सुना दिया था। तभी उसने एक और फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा कि एक छोटा सा फ्लैट मैंने तुम्हारे नाम खरीदा था, क्योंकि ये तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो ये मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता था। अब तुम जो चाहो इसका करो, अब मुबारक हो, अब तुम आज़ाद हो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारने के लिए। मैं और संजय मरे मरे कदमों से वहाँ से निकले थे। ये गनीमत था कि उसने मेरे नाम ये फ्लैट खरीद लिया था और मेरे नाम से बैंक में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। और वापस आते हुए मैंने अपने कपड़े और तमाम जेवरात भी लेकर आई थी, जो काफ़ी समय तक हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी था। और हम दोनों आकर इस फ्लैट में रहने लगे, और जब एक महीना ख़त्म हो गया तो मैं संजय पे जोड़ देना शुरू कर दिया कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसने मुझसे शादी कर ली थी और सारा दिन वह घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और जेवर ख़त्म होने लगे थे, अब मैं झुनझुनाने लगी थी। सुबह शाम मैं संजय को कहती थी कि काम धंधा करो, आखिर कब तक यूँ घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उसे ये बात कहती तो वो प्यार से टाल देता, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं उसे गुस्से से ये बात कहती थी तो इस वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था, और मैं जब भी उसे कमाने की बात कहती तो वह गुस्सा करने लगता। वह तो निखट्टू इंसान था, उसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। माँ की बात बिल्कुल सही थी, वह सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था, वह कोई काम नहीं कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था, इसके अलावा उसमें और कोई गुण था ही नहीं। लेकिन अब अफसोस है, इन खूबियों की वजह से मैं उस पर मरती थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया। माँ बाप मुझसे नाराज़ थे, वह मेरी शक्ल देखने को भी राजी नहीं थे, और यहाँ पर मैं हर वक्त जंग करके दिन गुजार रही थी। और मेरी मात 12वीं तक थी, जिस कारण मुझे अच्छी जगह पर नौकरी नहीं मिल सकती थी। मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम कर रही थी। और जब मैं घर में वापस आती तो मेरा पति पलंग पर लेटा हुआ टीवी देखने में बिजी हो जाता था। उसको देखकर गुस्से की लहर मेरे बदन में दौड़ जाती थी, और सारे दिन की थकान से आई घर का काम करने में बिजी हो जाती, और बार बार मेरे आंखों से आंसू बहते और मुझे अपने ऐस भरे दिन याद आ जाते जो मेरे पति के साथ गुजारे थे, पुराने पति के साथ। और अब तो वह दिन जैसे मेरे सपने बन गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से ये तफलीक और जिल्लत भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो गई थी। माँ के घर भी जाती तो अभी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया करती। मैं रोती चेहरे के साथ वहाँ से वापस आ जाती। मैं घर और नौकरी में जैसे घनचक्कर की तरह घूम रही थी। मैं अब हर समय पछताते रहती थी। अगर माँ की बात मानती और थोड़ा सा सब्र से काम लेती और अपने पति को इज्जत और मोहब्बत देती। माँ ने कहा भी था कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही उसकी नफरत में बावली हुई जा रही थी। आज उसके साथ उसके घर में आराम से ज़िंदगी गुजार रही होती, और अब तो उसकी आंखें भी वापस हो गई, ठीक हो चुकी थी। माँ सही कहती थी कि तुम हमेशा जल्दबाजी करती हो, और आज इस जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी
और अब मुझे संजय के साथ हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि ये मेरा अपना ही किया हुआ था। और संजय को पता था कि मेरे पास वापसी के सारे दरवाजे बंद हो गए थे और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, इसीलिए वह इस फ्लैट में बड़े आराम से रहता था और मैं सारा दिन काम काज करके घर का चूल्हा जलाती थी। मुझ जैसी औरतों के साथ ऐसा ही दर्दनाक अंजाम होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।